हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में, जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उस कंपनी के बारे में डीपली पढ़ा जाता है, उसके बारे में पूरी तरह से रिसर्च की जाती है, उसके बिजनेस मॉडल को समझा जाता है और फिर हम लोग एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, और यदि इन्वेस्ट करने लायक है भी तो क्या सही प्राइस होगा जिसमें हमें यहाँ पर एंटर करना सही रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है वेलस्पन कॉर्प। इससे पहले कि हम कंपनी के बिजनेस के बारे में समझे, उसके फंडामेंटल्स के बारे में समझे, हम लोग पहले उसके नंबर्स को, फंडामेंटल्स को डीपली स्टडी करेंगे, फिर बिजनेस के फंडामेंटल को समझेंगे, पूरा बिजनेस एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या रिसेंट नया नया बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है इस कंपनी में, जो कि इस कंपनी को यहां से एक मल्टीबैगर कंपनी बना सकती है। ठीक है, तो पहले इसके नंबर्स को स्टडी करते हैं, देन विल गो टू द बिजनेस। इसका मार्केट कैप अगर देखें तो अभी करीब करीब 6,940 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंटली 265 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। आज 5.5% के आसपास का इसमें फॉल आया है। अगर पिछले कुछ दिन का देखें तो ये 298 का हाई भी बना चुका है और लो का बात करें तो 123 का 52 वीक लो है। तो वहां 298 से रिसेंटली यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर देखने मिला। स्टॉक का अगर प्राइस टू अर्निंग्स का बात करें तो 19.4 के प्राइस टू अर्निंग्स में कंपनी ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू इसका 170 रुपए है, तो विच इज वेरी गुड। तो अगर प्राइस टू बुक का बात करें तो 1.5 के प्राइस टू बुक में मिल रहा है, तो ये वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं माना जाता, इट इज क्वाइट रिजनेबल वैल्यूएशन। मार्केट कैप टू सेल्स देखें तो 1.14 है, विच इज ऑल्सो ओके, बट इस तरह की कंपनी में जनरली मार्केट कैप टू सेल्स को देखा नहीं जाता, बिकॉज दिस इज नॉट अ एफएमसीजी टाइप या B2C टाइप ऑफ अ कंपनी, ये नॉर्मली B2B कंपनी है, तो यहाँ पर मार्केट कैप टू सेल्स डजंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो 6.99 यानी 7% के आसपास का है और रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो 4.65 का है। तो यहाँ पर अगर नंबर्स देखे तो नंबर्स काफी वीक लग रहा है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही कम है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स का बात करें तो 26 करोड़ के आसपास शेयर्स है, फेस वैल्यू 5 रुपया का है कंपनी का। डेट इक्विटी रेशियो इज साउंड 0.34 है और डेट 1654 करोड़ के आसपास का कंपनी में डेट है। तो यहां तक जितना भी हम लोगों ने नंबर्स में देखा तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कुछ नजर नहीं आ रहा है हम लोग को। पेग रेशियो देखें तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव है, 0.26। तो वैल्यूएशन वाइज वैल्यूएशन इज ओके, वैल्यूएशन थोड़ा सा अट्रैक्टिव है और यहां से अगर थोड़ा करेक्शन और आता है तो वैल्यूएशन और भी ज्यादा इट्रैक्टिव हो सकता है, बट रिटर्न्स के मामले में अगर देखें तो रिटर्न्स में देयर इज नथिंग इंप्रेसिव अबाउट द कंपनी, कि अगर 7% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 4.5% का है, सो देयर इज नो पॉइंट इन्वेस्टिंग मनी इन दिस कंपनी, अभी जो नंबर्स को देख के ऐसा लग रहा है। बट इस अब क्वेश्चन आता है कि नंबर्स अगर इतने खराब है तो आखिर क्या कारण है कि चार्ट पैटर्न बिल्कुल ही अलग कुछ बोल रहा है। चार्ट पैटर्न में देखिए इतना स्ट्रॉन्ग है कि बढ़े जा रहा है स्टॉक, रेगुलर बेसिस पे ये ऊपर हाई बनाया जा रहा है। आज थोड़ा करेक्शन आया है बट अचानक से यहाँ पर इतना हाई होने का क्या कारण था कि ये कंपनी ऑलमोस्ट 210 220 रुपए से ऑलमोस्ट 290 300 रुपए तक चली गई, यानी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ अ टाइम। तो डेफिनेटली कंपनी के बिजनेस में ऐसा कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है जो कि यहाँ पर चार्ट में हम लोग को नजर आ रहा है, पर नंबर्स में फिलहाल हम लोग को नजर नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग को समझना होगा कि ऐसा क्या इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कंपनी के बिजनेस में हो रहा है। पीयर कंपैरिजन अगर हम लोग कंपेयर करें पीयर्स के साथ, तो अगर रत्नामली मेटल्स का देखें तो 38 का पी है, श्याम मेटेलिक्स 4.5 का पी है, वेलस्पन कॉर्प 19 का पी है, अपोलो ट्राइकोट ऑलमोस्ट 50 का पी है, राज रतन ग्लोबल वायर 42 का पी है, महाराष्ट्र सिंगलेस 11.5 का, मिश्रा धातु 21 के पी पे अवेलेबल है। तो ये सारी पीयर कंपनी कोई 21 पे, कोई 42 पे, कोई 50 पे अवेलेबल है, ये 19 पे अवेलेबल है। तो 19 पे अवेलेबल है तो समझना पड़ेगा, वैसे तो देख के लगेगा कि श्याम मेटेलिक सबसे सस्ता है, पर श्याम मेटेलिक्स इज बेसिकली अबाउट स्टील मैन्युफैक्चरिंग और वेलस्पन कॉर्प या बाकी का अगर मैं राज रतन ग्लोबल या इन लोग का महाराष्ट्र सीमलेस का बात करूं तो वो लोग स्टील के पाइप्स बनाते हैं और श्याम मेटेलिक्स आई थिंक ये लोग पाइप में नहीं है, दे आर बेसिकली इनटू स्टील प्रोडक्शन। तो स्टील प्रोडक्शन ये तो पीयर ग्रुप में आना ही नहीं चाहिए, पहला चीज है, तो इसको तो वैसे ही हम लोग को नेग्लेक्ट करना चाहिए कि ये पीयर ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाहिए। तो बाकी पीयर ग्रुप्स में देखें तो ये काफी सस्ते वैल्यूएशन पे, हाँ रिटर्न काफी कम बना के दिया है,
रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पीयर्स के मुकाबले काफी कम है। तो अगर मैं अपोलो ट्राइकॉट से कंपेयर करूं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 45%, रिटर्न ऑन इक्विटी 37%। तो इसके मुकाबले तो ऑब्वियसली रिटर्न्स काफी खराब है। इसके मुकाबले क्या, जितने भी पीयर ग्रुप में सबके मुकाबले में रिटर्न्स खराब है, और यही कारण है कि इसको वैल्यूएशन भी बहुत कम मिल रहा है। ईवी बाई ईबीटा का अगर मैं बात करूं तो ईवी बाई ईबीटा इसका 8.45 है। बाकी लोगों का ईवी बाई ईबीटा देखें तो रत्नामली का ऑलमोस्ट 24, अपोलो ट्राइकॉट 32, राजरतन ग्लोबल 29, मिश्रा धातु इस 13.29, महाराष्ट्र सीमलेस 7.32। तो महाराष्ट्र सीमलेस और वेलस्पन कॉर्प का मोर और लेस एक जैसा ईवी बाई ईबीटा है। बाकी लोगों को बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन मिला हुआ है। यहाँ पर आगे देखते हैं और क्या है, पीयर कंपेरिजन में तो समझ में आ गया कि ठीक ठाक है वैल्यूएशन। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान देते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में कैसा रहा है नंबर्स। सेल्स इनका आप देखो 1321 करोड़ का सेल आया है जून क्वार्टर में। पिछला जून क्वार्टर में बात करें तो 1300 करोड़ का था। उसके पहले वाले जून जो कोविड पीरियड था उसका बात करें तो 2000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, और प्री कोविड का बात करें तो भी 2047 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू अगर हम लोग देखें प्री कोविड लेवल से तो अभी भी वहां के आसपास पहुंचा नहीं, और मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी रिवेन्यू में काफी फॉल है। पर समझना होगा कि इस तरह की जो कंपनी होती है ना उसमें हम लोग अगर रिवेन्यू को पर क्वार्टर बेसिस पे जज करने लगे ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग बेसिकली इंजीनियरिंग जैसा काम करते हैं। तो ये कोई एफएमसीजी या कोई ऐसा बी2सी प्रोडक्ट वाली कंपनी तो है नहीं कि हर क्वार्टर में नंबर्स अच्छा करेगी। इनको तो क्या एक ऑर्डर मिलता है इंजीनियरिंग के जैसा कि भैया आप ये पाइप लगा के दो हमको, तो वो लोग जब पाइप लगा के जब कंप्लीट करते हैं तो उस क्वार्टर में ज्यादा रेवेन्यू दिखता है, और जिस क्वार्टर में काम चल रहा होता है बहुत ज्यादा रेवेन्यू वहां से जनरेट नहीं हो रहा होता है तो वहां कम दिखता है। तो हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसको जज करना इज वेरी डिफिकल्ट और इट इज रॉन्ग ऑल्सो। इसको इस तरह की कंपनी को कभी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखो 9% हुआ करता था, 12% हुआ करता था, 10% हुआ करता था, वो पूरी तरह से यहाँ लास्ट दो क्वार्टर में डिप होके 3.5% और 2.5% रहेगा। तो ये ऑपरेटिंग मार्जिन जो दिख रहा है ये तो एकदम ही खराब दिख रहा है, और ऐसा दिख रहा है कि एकदम कंपनी खत्म ही होने जा रहा है। तो पिछले दो क्वार्टर में नंबर्स तो एकदम खराब है, कुछ भी पॉजिटिव इस नंबर में नहीं। तो फिर अगेन क्वेश्चन आता है कि फिर प्राइस इतना स्ट्रॉन्ग क्यों दिखा रहा है, प्राइस में इतना स्ट्रेंथ क्यों आ रहा है। तो यही चीज हम लोग को तब समझ में आएगा जब इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे। खाली नंबर्स को देखेंगे तो हम लोग कभी प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। जब तक हम लोग बिजनेस को नहीं समझ जाए और आने वाला बिजनेस में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसको नहीं समझे तब तक हम लोग को नहीं समझ में आएगा कि इतना खराब नंबर होने के बावजूद भी प्राइस क्यों बढ़ रहा है। इंटरेस्ट 30 करोड़ का इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपनी पे करती है। नेट प्रॉफिट का बात करूं तो इस क्वार्टर में तो कंपनी ने ऑलमोस्ट लॉस किया, ठीक है। तो यहाँ 95 लाख का कंपनी ने नुकसान किया, तो ईपीएस तो 16 पैसा का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 9 रुपया का था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि नंबर्स तो जून क्वार्टर के नंबर्स कुछ ज्यादा ही खराब आए हैं कंपनी के, और ऑलमोस्ट पिछले 8-10 क्वार्टर में सबसे खराब नंबर जून क्वार्टर में है। तो उसके पीछे का क्या रीजन है वो भी हम लोग को समझना पड़ेगा, और आगे क्या प्रोस्पेक्ट है वो भी समझना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अगर ईयर बेसिस पे हम बात करें तो मार्च 2021 में जो था 7100 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके पहले प्री कोविड लेवल का बात करें तो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी सालाना करती। अभी जो रेवेन्यू आया है वो एकदम खराब आया है, 6,505 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 11-12% हुआ करता है वो गिर के 7% हो गया। नेट प्रॉफिट का बात करें तो पिछले साल कंपनी ने 827 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, इस साल सिर्फ 444 करोड़ का। तो अर्निंग पर शेयर जो 29 रुपया था पिछले साल, इस साल गिर के एकदम 17 रुपया हो गया। और अभी जून का जैसा रिजल्ट आया उसके हिसाब से तो और भी खराब हो गया। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स को देखें तो 14 रुपया का ही खाली ईपीएस रह गया। तो नंबर्स तो हम लोग को बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है। नंबर्स में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है कि क्यों इस कंपनी के बारे में स्टडी भी किया जाए। इतना खराब नंबर्स के बावजूद हम लोग स्टडी क्यों कर रहे हैं इस कंपनी को, वो अभी जब बिजनेस को समझेंगे तब समझ में आएगा। सेल्स ग्रोथ का बात करूं तो पिछले एक साल में खाली 3% सेल्स ग्रो किया है, 3 साल में तो 10% के कैगर से डाउन हुआ है, 5 साल में खाली 2% के कैगर से सेल ग्रो किया है।
प्रॉफिट का बात करें तो प्रॉफिट पिछले 3 साल में 90% के कैगर से ग्रो किया है, बट पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 50% डाउन बैलेंस शीट में आता है। तो बैलेंस शीट में इनके पास रिजर्व 4,300 करोड़ के आसपास का है, एंड इनके पास जो बोरोइंग्स है वो 1,650 करोड़ के आसपास का डेट। उसके अगेंस्ट में इनके पास कैश या इन्वेंट्री कितना है, इन्वेंट्री 1,000 करोड़ का इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री भी 1,200 करोड़ था पिछले साल, इस साल थोड़ा घटा है। ट्रेड रिसीवेबल 670 करोड़ से बढ़ के 813 करोड़ हो गया, तो यानी रिसीवेबल्स में थोड़ा सा पैसा इनका अटक रहा है। कैश में इनके पास 701 करोड़ रुपया कैश में पड़ा हुआ है। अब ये इतना ज्यादा कैश क्यों आया ये हम लोग को समझना पड़ेगा। इन्होंने कुछ एक डाइवेस्टमेंट किया था या अपना कोई स्टेक सेल किया था, वहां से एक अच्छा खासा रेवेन्यू इनके पास अदर इनकम के पॉइंट से आया था। यहाँ देखिए आप मार्च 2022 में 415 करोड़ का अदर इनकम है। तो ये 415 करोड़ का अदर इनकम में क्या है, 415 करोड़ अदर इनकम नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल में लिख दिया है, ये नॉर्मल नहीं है। इन्होंने कोई सऊदी में कुछ स्टेक सेल हुआ था वहां से आया था, तो ये बार बार तो ये रिवेन्यू नहीं आएगा, तो ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिख रहा था, मतलब ज्यादा इनकम यहाँ पर दिख रहा है। ये जो इनकम 263 करोड़ है ये एक्चुअली कंपनी डिजर्व नहीं करती है, ये एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन की वजह से ये इतना इनकम इसका आया था। फिर हम लोग बात करते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। ये लोग 390 करोड़ का लोन दे रखे हैं अपने सब्सिडरी को या किसी को। अदर एसेट में उनके पास 243 करोड़। कैश फ्लो में आते हैं तो कंपनी ने 219 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट किया मार्च 2022 में, मतलब FY22 में। बट FY21 में आप देखो 774 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेशन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मैं बात करूं तो फिक्स्ड एसेट इन्होंने 980 करोड़ का फिक्स्ड एसेट अभी खरीदा है इस साल, और फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट कुछ इन्होंने परचेज किया 16,665 करोड़ का, और इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया 16,440 करोड़ का। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का भी कुछ बड़ा डीलिंग्स हुआ है पिछले साल। कैश कन्वर्सन साइकिल देखे तो 48 दिन रह गया है, तो ये एक अच्छा नंबर है कि पहले 90 दिन 72 दिन हुआ करता था, वहां से 48 दिन रह गया। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका काफी डाउन हो गया, कहां 30% 20% का रिटर्न होता था वो सिर्फ 7% रह गया, तो रिटर्न इज वेरी पुअर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए, अब नंबर अपने को इतना खराब दिख रहा है, अपने को लगेगा कि क्या इतना खराब नंबर है, हम लोग क्यों इन्वेस्ट करें। तो हम लोग से ज्यादा तो स्मार्ट म्यूचुअल फंड वाले लोग और फॉरेन इन्वेस्टर लोग हैं, तो वो लोग का इंटरेस्ट देखिए 50% प्रमोटर के पास। F2 के पास दिसंबर में 6% हुआ करता था, जो अभी जून में बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 9% हो गया। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पर अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है अगर नंबर इतना खराब है? तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड 6% से ऑलमोस्ट 6.5% से अपना होल्डिंग 10.5% कर लिया, तो ये लोग भी अपना होल्डिंग बढ़ा रहे। क्या कारण है, क्यों बढ़ा रहे? ठीक है, अब पब्लिक के पास 37% हुआ करता था, खाली 30% रह गया। यानी पब्लिक के हाथ से शेयर निकले जा रहा है, बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के पास ये शेयर जा रहा है। तो डेफिनेटली कुछ तो बिजनेस में इंटरेस्टिंग हो रहा है, आप मानते हैं कि नहीं मेरे साथ? आप कमेंट में लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है, कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा होगा ना डेफिनेटली, क्योंकि ये लोग जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ये बेवकूफ तो नहीं है कि ये लोग इतना खराब नंबर दिखने वाली कंपनी में ये लोग इस तरह से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। That is not possible. कुछ तो definitely होगा, उसका हम लोग अभी business जब analysis करेंगे तब पता लगाएंगे। तो यहां तक आई होप सबको एकदम क्लियर हो गया फंडामेंटल्स, कि अभी तक हम लोग को क्या समझ में आया कि नंबर्स में कुछ भी ढंग का देखने लायक फिलहाल नहीं है। जून का नंबर देखे तो और भी ज्यादा खराब है, और इतना डिमोटिवेटिंग है जून का नंबर कि किसी को भी मन करेगा कि शेयर बेच के निकल जाओ कंपनी से। अभी तक हम लोग का जो एनालिसिस है वो इतना ही हम लोग को बता रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं बिजनेस एनालिसिस क्या बताता है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी क्या काम करती है। पर इसके पहले कि हम लोग बिजनेस एनालिसिस में जाएं, 2 मिनट आपका लेना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले और भी जो वीडियोस है या जो भी नई नई कंपनी पे हम लोग डीप डाइव एनालिसिस करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। उसके लिए नोटिफिकेशन बेल भी आप दबा दीजिएगा और ऑल का बटन जरूर प्रेस करिएगा। 2 मिनट आपको इसलिए रोका ये बताने के लिए कि ये हो सकता है ये रिसर्च थोड़ा लंबा हो जाए,
क्योंकि हम लोग काफी डीपली सारा चीज को एक एक करके समझेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस किया और बिजनेस के बारे में थोड़ा सा और कुछ जानेंगे, और जब पार्ट टू में आएंगे तो इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखेंगे, आगे का स्ट्रेटेजी समझेंगे और अकॉर्डिंग टू मी इस कंपनी का एक डिसेंट वैल्यूएशन क्या होना चाहिए उसको भी समझेंगे। मानता हूँ ये वीडियो हमारे थोड़े लंबे होते हैं, बट मेरा कोशिश हमेशा यही रहता है कि आपको किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी दूँ तो कंप्लीट जानकारी, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन देके मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप खुद सोचिए ना कि आपको अगर मैं आधा अधूरा इंफॉर्मेशन दूंगा, मान लो अगर मैं व्यूज अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए, यूट्यूब के एल्गो को फिट होने के लिए, मान लीजिए सिर्फ 10 मिनट का एक वीडियो बना के आपको दे दिया, तो 10 मिनट का वीडियो में आपको कितना बता पाऊंगा या कितना समझा पाऊंगा किसी कंपनी के बारे में? हार्डली 10 या 20% ऑफ व्हाट एक्चुअली आई वांट टू शेयर विद यू। तो वहां पर क्या होगा, वो 10% 20% का नॉलेज जो होगा ना, वो अधूरा ज्ञान होगा। एंड वी ऑल नो दैट लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, और खास करके जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का बात आता है तब चीज और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने YouTube के व्यूज के लालच में एक आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन के साथ 5 मिनट 10 मिनट का एक वीडियो बनाऊं जिसको देखने के बाद आपको कोई फायदा नहीं होगा, इनफैक्ट आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन मिला है तो उसके बेसिस पे आप कभी भी एक कंक्लूसिव कंक्लूजन पे नहीं आ पाएंगे कि ये कंपनी अच्छी है कि खराब। तो वैसा काम करके कोई फायदा नहीं है ना, कि जहां आपका 10 मिनट भी वेस्ट हुआ और अल्टीमेटली आप और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो इससे अच्छा है कि आप एक प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज वाला वीडियो देखें, आपको जहां पर पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। ऐसे वीडियो को अगर आपको 30 मिनट 40 मिनट अपना टाइम भी देना पड़ रहा है तो दैट इज वर्थ। आप 10-10 मिनट करके, 15 मिनट करके, 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में चाहे वीडियो को देखिए, पर उसके बाद क्या होगा, आपको एक क्लियर कट नॉलेज मिल जाएगा कंपनी के बारे में, पूरा आइडिया होगा कि कंपनी क्या कर रही है, आगे क्या करने जा रही है, ताकि आप एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे कि ये कंपनी सही है या गलत, आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं। मेरे तरफ से कभी भी कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है किसी भी कंपनी में, ये जितने भी वीडियोस हम बनाते हैं इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, बट ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपको इस कंपनी के बारे में इतना कुछ मैं बता दूं, सब कुछ बता दूं, ताकि आप उस डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में पहुंच जाए, फिर आप खुद अपने नॉलेज के बेसिस पे, अपने कन्विक्शन के बेसिस पे डिसीजन ले पाए इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। कंपनी क्या है? वेलस्पन कॉर्प इज वन ऑफ द फ्लैगशिप कंपनीज ऑफ द वेलस्पन ग्रुप। तो वेलस्पन कॉर्प सिर्फ एक कंपनी नहीं है, वेलस्पन ग्रुप में 3-4 कंपनी है, वेलस्पन इंटरप्राइज है, वेलस्पन कॉर्प है, वेलस्पन इंडिया है, एंड इस ग्रुप की एक कंपनी है वेलस्पन कॉर्प। इट इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ लार्ज डायमीटर पाइप्स ग्लोबली। अब आपको समझना पड़ेगा कि पाइप जो होता है, ये जो पाइप आपको देखने में मिल रहा है, तो ये पाइप दो प्रकार के होते हैं, एक तो डीआई पाइप्स होता है, एक होता है लो डायमीटर पाइप्स, एक होता है लार्ज डायमीटर पाइप्स। तो जो बड़े बड़े पाइप होते हैं जिनका डायमीटर, डायमीटर मतलब क्या होता है, जब कोई सिलेंड्रिकल वस्तु होती है तो उसका डायमीटर होता है कि आपका डायमीटर कितना बड़ा है, जैसे ये हुआ बड़ा डायमीटर, तो ये जो पाइप है इसका डायमीटर इतना बड़ा है, और एक होता है छोटा डायमीटर जहां पर छोटा डायमीटर होता है पाइप। ठीक है, तो ये लार्ज डायमीटर पाइप्स बनाती है। ये किस काम में आता है, ये पाइप जितने भी होते हैं मेनली ऑयल एंड गैस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं, तो दे आर लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ लार्ज डायमीटर पाइप्स ग्लोबली। ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में, ग्लोबली दे आर वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स। और वो लोग ऑफर क्या करते हैं, ऑफरिंग अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द लाइन पाइप रिलेटेड रिक्वायरमेंट। यानी ये जो लार्ज डायमीटर का जो लाइन पाइप्स होता है, तो लाइन पाइप से रिलेटेड आपको जो भी रिक्वायरमेंट है ना, सब आपको इस कंपनी में मिल जाएगा। इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन कि आपको और कहीं पर कुछ जाने का जरूरत नहीं है, आप लाइन पाइप से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, जिस वैरायटी का चाहिए, जिस लेंथ का चाहिए, हम लोग सब आपको प्रोवाइड करेंगे विथ इट्स वाइड रेंज ऑफ हाई ग्रेड लाइन पाइप्स। और इनका रेंज जो है बहुत वाइड रेंज ऑफ हाई ग्रेड, रेंज भी बहुत वाइड है, छोटा से छोटा और लंबा से लंबा पाइप बना सकते हैं, एंड हाई ग्रेड इनका जो क्वालिटी है बहुत हाई ग्रेड क्वालिटी का पाइप बनाते हैं। और ये पाइप कहाँ यूज होता है, दीज पाइप्स आर यूज्ड फॉर ऑफशोर एंड ऑनशोर ट्रांसमिशन ऑफ ऑयल्स। नाउ व्हाट इज ऑफशोर एंड ऑनशोर, ऑनशोर मतलब विद इन इंडिया, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में फैक्ट्री है, अगर इंडिया में इनके प्लांट है, तो विद इन इंडिया अगर आपको ट्रांसमिशन ऑफ ऑयल गैस एंड वाटर करना है,
तो वहां पर ये पाइप्स यूज होंगे, या फिर आपको इंडिया के बाहर भी अगर भेजना है, समुद्र के अंदर से कोई रास्ता बना के अगर भेजना है पाइप के थ्रू, तो वो भी काम ये लोग करके देते हैं। पूरा पाइप बना के पाइप को इंस्टॉल करके देने का काम ये लोग करते हैं। वो इनका ऑफशोर बिजनेस आता है कि प्लांट इंडिया में है पर आप इंडिया के बाहर भेज रहे हैं, या इंडिया के बाहर वो काम कर रहे हैं, तो दैट इज ऑफशोर। इट इज अमंग द लार्जेस्ट वेल्डेड लाइन पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। तो वेल्ड करके पाइप मतलब क्या होता है, एक तो रोलिंग पाइप होता है, जैसे ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये अनवेल्डेड है, तो यहाँ पर क्या वेल्डिंग नहीं किया हुआ, एक ही बार में ये पूरा पाइप एक बार में निकला है। और वेल्डिंग में क्या होता है, मतलब पाइप को वेल्ड किया जाता है, यानी पाइप का डायमीटर ऐसा है, एक दूसरा डायमीटर का पाइप ऐसे ला के इन लोगों को वेल्ड एक दूसरे के ऊपर यहाँ से वेल्डिंग करके ज्वाइन किया जाता है, यानी यहाँ से ऐसे वेल्डिंग किया जाता है और तब ज्वाइन किया जाता है दोनों को, तो वो वेल्डेड पाइप होता है। तो वेल्डेड लाइन पाइप में ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से आती है। वेलस्पन कॉर्प इज सिनोनिमस विद ग्रेट क्वालिटी, यानी कंपनी का जब नाम आता है तो कस्टमर जानते हैं कि वेलस्पन कॉर्प है, मतलब क्वालिटी एक नंबर होगा, देयर विल बी ग्रेट, द क्वालिटी विल बी ग्रेट, एंड एन इम्पेकेबल एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है। एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड जो है इनका, इट इज सेकेंड टू नन, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन एग्जीक्यूशन एबिलिटी। नाउ एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि आपको सिर्फ पाइप बना के सप्लाई नहीं कर देना, आपको वो पाइप बना के पूरा इंस्टॉल करके भी देना है। जहां पर पाइपलाइन बिछाना है तो वो आपको पूरा पाइपलाइन बिछा के देना है, यानी कि पाइप बना के पकड़ा दिया लो बिछा लो, ऐसा नहीं है, आपको खुद भी पाइप बनाना है और खुद पाइप को बिछा के भी देना है। तो वहां पर अगर आप पाइप को बिछाने में, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने में अगर सफल नहीं हुए ना, तो आपको नेक्स्ट ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कपल्ड विथ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। और एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड तो है, साथ साथ इनके पास जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है वो भी वर्ल्ड क्लास है। देयर लाइन पाइप कैपेबिलिटीज इनकम्पासेस, यानी जो लाइन पाइप ये लोग बनाते हैं उसमें कौन कौन सा वेराइटी ऑफ पाइप बनाते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वेल्डेड पाइप, हाई फ्रिक्वेंसी इंडक्शन वेल्डेड जिसको HFIW बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन वेल्डेड, HSAW हॉरिजॉन्टल सबमर्स्ड आर्क वेल्डेड, एंड LSAW दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सबमर्स्ड आर्क वेल्डेड। तो आपको बहुत ज्यादा इसके टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना है, आपको बस समझना है कि चार अलग अलग वेराइटी ऑफ पाइप्स ये लोग बनाते हैं, जो कि इनका जो मेन बिजनेस है लाइन पाइप्स का, उसमें ये चार वेराइटी ऑफ पाइप्स ये लोग बनाते हैं। उसके अलावा और कंपनी का सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, द कंपनी ऑल्सो मैनुफैक्चर्स BIS सर्टिफाइड स्टील बिलेट्स। तो BIS सर्टिफाइड के स्टील बिलेट्स भी बनाते हैं, उसके अलावा डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन भी बनाते हैं ये लोग, और स्टेनलेस स्टील पाइप्स भी बनाते हैं, फिर ट्यूब्स एंड बार्स भी बनाते हैं। तो ये इनका सेकेंड लाइन ऑफ ऑपरेशन है, अपार्ट फ्रॉम लाइन पाइप्स जो कि लार्ज डायमीटर पाइप्स होते हैं, वो लोग स्टील के बिलेट्स BRI बनाते हैं, स्टेनलेस पाइप बनाते हैं, एंड ट्यूब्स एंड बार्स भी बनाते हैं। ये सारा जो बिजनेस है ये स्टील कंपनी का वैल्यू चेन में आ रहा है, कि जो स्टील कंपनीज होती है वो लोग बिलेट्स के मदद से DRI बनाते हैं, DRI से स्टेनलेस स्टील पाइप बनाते हैं, ये सब स्टील का जो वैल्यू चेन है उसमें है। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन अ लाइन पाइप एंड इंस्टॉलेशन ऑफ लाइन पाइप्स, दे आर ऑल्सो इन टू स्टील वैल्यू चेन। एडिशनली दे हैव फोरेड, और इसके अलावा अब ये लोग नया एक बिजनेस में भी एंट्री करने जा रहे हैं, वो कौन सा है, एडिशनली दे हैव फोरेड इनटू प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ DI पाइप्स। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अब ये लोग, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास स्टील डिवीजन है, आप समझिए, तो स्टील डिवीजन में बिलेट्स ऑलरेडी बना रहे हैं, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन ऑलरेडी बना रहे हैं, स्टेनलेस स्टील का पाइप ऑलरेडी बना रहे हैं, तो अब बोल रहे हैं हम लोग पिग आयरन भी बनाएंगे, हम लोग खुद का पिग आयरन बनाएंगे और हम लोग DI पाइप्स भी बनाएंगे। नाउ व्हाट इज दिस DI पाइप्स, ये DI पाइप्स का जरूरत जो होता है ये मेनली क्या होता है, वाटर के ट्रांसपोर्ट में इसका सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो अभी जो सरकार का नल से जल का स्कीम है, जहां सरकार चाहती है कि हर घर में नल पहुंच जाए, तो उसके लिए तो पाइपलाइन बिछाना होगा ना, तो उस पाइपलाइन बिछाने में DI पाइप्स का रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा आने वाला है। तो इसीलिए ये लोग मौका देख के अब ये लोग पिग आयरन और DI पाइप बनाने में एंट्री ले रहे हैं। केटरिंग टू ग्रोइंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने बताया वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो लोग इसमें DI पाइप्स में एंटर कर रहे हैं। कंपनीज ग्रोथ स्ट्रेटेजी इंटेल्स क्रिएटिंग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो कंपनी अपने आप को ग्रो करने के लिए अब क्या कर रही है, पहले सिर्फ
ये लंबे वाले जो लार्ज डायमीटर पाइप्स है वही बनाया करती थी, लाइन पाइप्स। तो उसका क्या है, कभी ऑर्डर आता है कभी नहीं ऑर्डर आता है, क्रूड ऑयल का डिमांड होता है तब तो ऑर्डर आता है, क्रूड ऑयल का डिमांड थोड़ा गिर जाता है सारे ऑर्डर चले जाते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं जून का नंबर्स कितना खराब है। तो उसी चीज को, ये जो सीजनैलिटी है इस बिजनेस में, सिक्लिकलिटी है कि भैया मेरे को पास खाली एक ही टाइप का धंधा है कि मेरे पास सिर्फ लार्ज डायमीटर पाइप्स है, वो जब क्रूड ऑयल ऑयल एंड गैस वाली कंपनी मुझे कुछ ऑर्डर देगी तब तो मेरा धंधा चलेगा, अगर वहां पर अगर मंदी आ गया क्रूड ऑयल में या नेचुरल गैस में तो मेरा धंधा भी बंद हो जाएगा। तो उससे कंपनी ऊपर उठना चाहती है और अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहती है कि आई एम नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल इंडस्ट्री, आई विल मेक मोर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स कि मैं दूसरे दूसरे इंडस्ट्री को भी अपना सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर सकूं। तो वहां पर क्या होगा, जो अभी हम लोग इनके नंबर्स में फ्लक्चुएशन देखते हैं कि एक बार एकदम डिप हो जाता है फिर बढ़ता है फिर डिप होता है, वो वहां से बेटर पोजीशन में कंपनी आ जाएगी। रीपर्पसिंग इट्स बिजनेस टू ऐड न्यू टारगेट सेगमेंट्स, एक्सपैंडिंग इट्स ऑफरिंग टू एड्रेस B2B एंड B2C मार्केट। तो अब ये लोग अपने ऑफरिंग्स को B2B में तो ऑलरेडी है उसको और बड़ा कर रहे हैं और B2C बिजनेस में भी ये लोग एंटर करने जा रहे हैं। तो दिस विल मेक कंपनी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जैसे ही कंपनी B2C सेगमेंट में कोई इंटर करता है तो ऑटोमेटिकली उनका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ने लगता है, एट द सेम टाइम उनको वैल्यूएशन जो है मार्केट वो थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन देने लगता है, एंड मेकिंग वेल कंसिडर्ड स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन। तो उसके लिए कंपनी अच्छा अच्छा स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन भी कर रही है। द डाइवर्सिफिकेशन इनटू B2C सेगमेंट विल हेल्प द कंपनी टू सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड इट्स बेस। तो जो B2C सेगमेंट में कंपनी अब इंटर करना चाह रही है उससे इसका बेस बड़ा हो जाएगा, इनहेंस इट्स ब्रांड पेनिट्रेशन इन न्यू मार्केट, तो नए मार्केट में लोग इंटर कर पाएंगे, दे विल बिल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड दे विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट। तो ये सारा एडवांटेज इनको मिलेगा क्योंकि ये लोग अब B2C सेगमेंट में इंटर करने जा रहे हैं, तो इनका बेस बड़ा हो जाएगा, एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगा, नए मार्केट्स में इंटर कर पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग B2C में इंटर करने के लिए क्या कर रहे हैं, इन दिस परसुइट कंपनी हैज आल्सो अनाउंस्ड कमेंसमेंट ऑफ इट्स TMT फैसिलिटी, यानी जो TMT बार्स होता है उसका भी एक नया प्लांट ये लोग चालू किए हैं, देयर बाय टेकिंग द कंपनीज पोर्टफोलियो फ्रॉम बीइंग अ लार्ज स्केल B2B बिजनेस टू अ B2C बिजनेस इन नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो आने वाले 2 से 3 महीना में ये लोग B2B से ऑलमोस्ट B2C प्लेयर बनने जा रहे हैं, जहां TMT का फैसिलिटी इन्होंने एक लगाया है। कंपनी हैज आल्सो फोरिंग इनटू पॉलीमर एंड प्लास्टिक बिजनेस, तो खाली ये लोग स्टील पे नहीं रुके हैं, ये लोग पॉलीमर और प्लास्टिक बिजनेस में भी इंटर कर रहे हैं उस सेगमेंट में भी, विच इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग B2C ऑर्गेनाइजेशन। और B2C ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए यहाँ पर प्लास्टिक और पॉलीमर में भी ये लोग एंट्री लिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये लोग कितना एग्रेसिवली B2C बिजनेस में जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज पिग आयरन, अभी हम लोगों ने बात किया कि कंपनी बोली हम पिग आयरन और DI पाइप बनाएंगे, पिग आयरन होता क्या है, पिग आयरन ऑल्सो नोन एज क्रूड आयरन इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ आयरन इंडस्ट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। तो स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए पिग आयरन का जरूरत पड़ता है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय स्मेल्टिंग आयरन ओर इन ब्लास्ट फर्नेस, यानी जब आप आयरन ओर को ब्लास्ट फर्नेस में ले जाके पूरी तरह से पिघला देते हो, स्मेल्ट कर देते हो, उसके बाद क्या होता है, आपको जो आयरन मिलता है उसको पिग आयरन बोलते हैं। इट कंटेन्स 92% आयरन, हैज अ वेरी हाई कार्बन कंटेंट, इसमें कार्बन कंटेंट बहुत हाई होता है, टिपिकली 35 3.5 से 4.5%। मेजोरिटी ऑफ पिग आयरन इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड विद इन द इंटीग्रेटेड स्टील मिल, और ज्यादातर पिग आयरन क्या है स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये थोड़ा डिटेल है कि पिग आयरन किसको बोलते हैं, स्पॉन्ज आयरन किसको बोलते हैं। तो पिग आयरन मैंने जैसे बताया कि ये जो स्मेल्टिंग करके बनाया जाता है, और जो स्पॉन्ज आयरन है वो डायरेक्ट रिडक्शन के प्रोसेस से बनाया जाता है। तो स्पॉन्ज आयरन का आप देखो, स्पॉन्ज आयरन इज अ फॉर्म ऑफ आयरन दैट वी कैन प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम आयरन ओर थ्रू द रिडक्शन प्रोसेस, यानी आयरन ओर से आप डायरेक्टली स्पॉन्ज आयरन बना सकते हैं रिडक्शन के प्रोसेस से। और पिग आयरन क्या होता है, आपको स्मेल्टिंग के रूप से जाना पड़ता है, जहां पर आप ब्लास्ट फर्नेस का मदद लेते हैं। अगर आपको इसको पूरा डिटेल में समझना है, इसके पूरे वैल्यू चेन को, कि कंपनी का ये क्या है और ये पूरा वैल्यू चेन क्या है, तो मैंने गोदावरी पावर पे एक वीडियो बनाया है, मैं चाहे तो वहां पर आपको आई बटन में लिंक भी दे दूंगा, आप गोदावरी पावर वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो स्टील का वैल्यू चेन है ना वो कैसे काम करता है।
तो इस वीडियो में दोबारा से वो वैल्यू चेन समझा के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप गोदावरी पावर वाला वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि स्टील का वैल्यू चेन कैसे फंक्शन करता है। जस्ट शॉर्ट के लिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे ये काम हो रहा है, कि यहाँ पर माइनिंग होता है, माइनिंग ऑफ आयरन ओर होता है, फिर वहां से पैलेट्स बनाए जाते हैं। पैलेट्स जो है वो डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस में चला जाता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में, और जो पैलेट्स नहीं सिंटरिंग से होता है उसके लिए सिंटर में ब्लास्ट फर्नेस होता है, उसके रूट से अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, ये भी एक पूरा वैल्यू चेन अच्छा से समझा रहा है कि आयरन और लाइम स्टोन और कोयला का जरूरत पड़ता है, उससे हम लोग सिंटर, वो तीनों को मिला के हम सिंटर प्लांट में ले जाते हैं, और सिंटर प्लांट में हम लोग ब्लास्ट फर्नेस का रूट से हम लोग फिर स्टील का आयरन आयरन एंड स्टील बनाते हैं। और अगर हम लोग के पास स्क्रैप मेटल है और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, तो हम लोग स्क्रैप मेटल के मदद से या फिर पैलेट्स के मदद से, जो पैलेट बनता है पैलेट के मदद से डायरेक्टली इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में ले जा सकते हैं। वहां पर फिर कंटिन्यूअस कास्टिंग होता है, वहां से फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स लाइक ब्लूम्स, बिलेट्स, स्लैब्स ये सब बनाए जाते हैं। फिर जो ब्लूम्स, बिलेट्स या स्लैब्स है उसको दोबारा से रीशेप करके हॉट रोलिंग मिल्स में ले जाया जाता है। ये हॉट रोलिंग मिल में जाने के बाद हम लोग लॉन्ग प्रोडक्ट या फ्लैट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अभी जिस कंपनी का हम लोग बात कर रहे हैं बेलस्पन कॉर्प, ये लोग बेसिकली लॉन्ग प्रोडक्ट्स में इंटर कर रहे हैं, जहां पर ये लोग पाइप्स बनाएंगे, टीएमटी बार्स बनाएंगे। तो ये रॉड्स एंड बार्स जो आपको दिख रहा है या पाइप्स दिख रहा है, ये सब लॉन्ग प्रोडक्ट के कैटेगरी में आता है। और डिटेल में समझना है तो आप गोदावरी पावर वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत डिटेल में उसमें समझाया हुआ। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का अगर मैं बात करूं, तो कंपनी के पास आप देखो इंडिया में प्लांट है, यूएस में प्लांट है, सऊदी अरेबिया में प्लांट है। तो LSAW जो इनका जो पहला वेराइटी ऑफ पाइप है, लार्ज डायमीटर पाइप, उसमें इंडिया में अंजार में है, दहेज में है और कहीं नहीं है। तो टोटल मिला के 700 मेट्रिक टन, किलो मेट्रिक टन का फैसिलिटी है। फिर HSAW का अंजार में है, दहेज में है, मांडिया में है, भोपाल में है, फिर यूएस में लिटिल रॉक में है और सऊदी में दमन में, ठीक है। तो वहां पर टोटल 1480 किलो मेट्रिक टन का फैसिलिटी है, ये किसका है, HSAW का। फिर ERW पाइप जो होता है, ये छोटे डायमीटर वाले पाइप्स होते हैं, वो अंजार में इनका फैसिलिटी है और यूएस में लिटिल रॉक में एक फैसिलिटी है, 175 किलो यानी 175,000 टन का फैसिलिटी है। तो टोटल मिला के 375 किलो मेट्रिक टन का फैसिलिटी हो गया। तो लाइन पाइप जो इनका पुराना धंधा है, उसमें अगर इंडिया का बात करें तो 1655 KMT है, यूएस में 525 है, सऊदी अरेबिया में 375 है। टोटल मिला के 2555 किलो मेट्रिक टन का फैसिलिटी। फिर अभी जो नया इनका टीएमटी बार्स आ रहा है, वो अंजार में आ रहा है, 350 किलो मेट्रिक टन का। डीआई पाइप्स आ रहा है, 400 किलो मेट्रिक टन का फैसिलिटी। और फिर स्टेनलेस स्टील बार्स का इनके पास झगाड़िया में फैसिलिटी ऑलरेडी है 150 का, और स्टेनलेस स्टील पाइप्स झगाड़िया में ही फैसिलिटी है 18 किलो मेट्रिक टन का फैसिलिटी। तो ओवरऑल इनका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ये हम लोग को समझ में आ गया कितना है। आगे इनका प्रोसेस अगर हम लोग देखें, वे फॉरवर्ड बिजनेस ग्रोथ और डाइवर्सिफाई क्या कर रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस इनका जो है वो लार्ज डायमीटर पाइप्स का और कोटिंग्स का है, तो उसमें ये लोग ऑलरेडी अमंग द टॉप मैन्युफैक्चरर्स है ग्लोबली, और ये बिजनेस जो है ये B2B बिजनेस है। आगे ये लोग नया क्या करने जा रहे हैं, वो लोग पिग आयरन का और उससे DI पाइप्स बनाना चाह रहे हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैंड अलोन लोकेशन फैसिलिटी ऑलरेडी इनके पास अंजार में है, ये DI पाइप्स का और पिग आयरन का, ये भी B2B बिजनेस है और ये पूरा ग्रीनफील्ड कैपेसिटी है। नया ये लोग स्पेशलिटी स्टील में इंटर करने जा रहे हैं, दे विल बिकम द इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर फ्रॉम स्टील मेकिंग टू फिनिश प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर ये लोग स्टील मेकिंग से लेके स्टील मेकिंग के बाद जो पाइप्स बनाना है या स्टेनलेस स्टील पाइप्स बनाना है, पूरा फिनिश प्रोडक्ट तक खुद ही अपने घर में बना लेंगे। फिर ये लोग बिलेट्स और TMT बना रहे हैं। तो बिलेट्स तो क्या होता है, इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है बिलेट्स। अगेन अगर मैं गोदावरी पावर का बात करूं, तो उनका मेन बिजनेस ही बिलेट से आता है, और ये लोग बिलेट्स क्या होता है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं गोदावरी पावर। तो उसी बिजनेस में ये लोग भी इंटर कर रहे हैं, क्योंकि बिलेट्स का डिमांड इंडिया के बाहर बहुत है और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। और TMT बार्स का तो डिमांड हम लोग जानते हैं कि इंडिया में जितना रियल इस्टेट बढ़ेगा, जितना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगा, TMT का डिमांड बढ़ेगा। सो दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन द की ग्रोथ मार्केट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। नया ये लोग क्या किए, एक एक्विजिशन किए जिससे इनको प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में भी एंट्री मिल गया है। दे हैव एक्विजिशन ऑफ अ नेशनल ब्रांड। अगर मैं बात करूं कौन है वो नेशनल ब्रांड का, सो दे हैव अक्वायर्ड सिंटेक्स BAPL लिमिटेड
नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर विथ आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹1,222 करोड़ फॉर अ परचेस प्राइस ऑफ 418 करोड़। तो 418 करोड़ में इन्होंने सेंटेक्स का नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर जितना भी आउटस्टैंडिंग था उसको खरीद लिया है। तो यहां पर क्या है, इनका सिंटेक्स के प्रोडक्ट्स में भी इनका एंट्री हो गया। तो दे हैव एंटर्ड इनटू पॉलीमर एंड प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो ये भी इनका नया वेल प्लान्ड बिजनेस है जो कि आगे चल के बी टू सी बिजनेस बनेगा। ये बी टू सी में ऑलरेडी इनके पास बना बनाया है नेटवर्क्स और चेन मिल गया। बिलेट्स और टीएमटी बी टू बी भी होगा और बी टू सी भी होगा। तो ये जो पोर्शन है बी टू सी, ये दिन पे दिन जितना बढ़ेगा उतना कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव होते चले जाएंगे। स्टील बिजनेस को किस तरह से ये लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ये समझते हैं। अभी इनके पास एक ही बिजनेस था लार्ज डायमीटर पाइप्स का, उसमें ऑलरेडी ये लोग ग्लोबल लीडर थे। दे आर फोकस ऑन एक्सपेंडिंग कस्टमर बेस, तो ये ऑलरेडी इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस था। डक्टाइल आयरन पाइप्स के लिए इन्होंने एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट चालू किया। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है पूरा नया तरीका से जमीन लेके उसमें नए से पूरा प्लांट लगाना। अंजार में इन्होंने ये कैपेसिटी चालू किया है और 400 किलोमेट्रिक टन यानी कहीं ना कहीं 4 लाख टन पर एनम का कैपेसिटी है। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन क्रिएटिंग वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो डीआई डक्टाइल आयरन पाइप्स है उसका डिमांड सबसे ज्यादा किसमें होता है, जो वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है, हर घर जल या नल से जल वाला स्कीम, उसमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट डक्टाइल आयरन पाइप का है। एंड दे आर कमीशनिंग ब्लास्ट फर्नेस एंड सिंटर प्लांट कंप्लीट हो गया। तो जो ब्लास्ट फर्नेस और सिंटर प्लांट ये लोग लगाने वाले थे वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लॉन्ग प्रोडक्ट्स में बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बिलेट्स एंड डीआरआई पाइप्स ये लोग बनाएंगे। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके उसी से टीएमटी बार्स बनाएंगे जिसका कैपेसिटी 3,50,000 टन का होगा। और टीएमटी बार का फैसिलिटी और जो कमीशन हो रहा था वो ऑलरेडी जुलाई 2022 में ये फैसिलिटी चालू हो चुका है, यानी ये यहाँ पर प्रोडक्शन ऑलरेडी चालू हो चुका है। स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स का बात करें तो प्रोडक्ट्स यूज्ड फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन। तो ये जो स्टेनलेस स्टील है ये बहुत क्रिटिकल एप्लीकेशंस में यूज होता है। दे आर लार्ज एक्सपोर्ट पोटेंशियल। और इंडिया में स्टेनलेस स्टील का उतना खपत नहीं है जितना कि इंडिया के बाहर है, तो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अगर आपको स्टेनलेस स्टील के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में पूरा समझना है कि ये पूरा ग्लोबल लेवल पे इंडस्ट्री क्या है, कैसे बनता है, इसका रॉ मटेरियल क्या है, आगे का स्कोप क्या है, तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाया रखा है इंटीग्रेटेड मेटल एंड फेरो अलॉयज के ऊपर, इंफा। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर आपको स्टेनलेस स्टील का पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब जानना है। उसमें काफी डिटेल में मैंने समझाया है कि स्टेनलेस स्टील क्या होता है, कहाँ उसका एप्लीकेशन होता है, ग्लोबल मार्केट साइज क्या है, चाइना का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, सब कुछ बहुत डिटेल में समझा है। तो इंफा वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, मैं अगेन इसको आई बटन में हो सकेगा तो लगा दूंगा। तो ह्यूज ट्रस्ट ऑन लोकलाइजेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट एंड कैपेसिटी जो है अलॉय का 150 टन का कैपेसिटी है, किलोमेट्रिक टन का कैपेसिटी। ये कहां से आया, एक्विजिशन ऑफ स्टील बिजनेस ऑफ वेलस्पन स्टील लिमिटेड, यानी इनके एक सब्सिडरी वेलस्पन स्टील लिमिटेड थी उसकी बिजनेस को पूरी तरह से अक्वायर कर लिया। इससे क्या होगा, इनका बी टू सी में प्रेजेंस बढ़ेगा जिससे कंपनी को हायर वैल्यूएशन मिलेगा आगे चल। अपडेट्स, अब ये जो भी अपडेट है हम लोग ये सेकेंड पार्ट में हम लोग करेंगे, पार्ट वन को अभी यहीं तक रखते हैं। पार्ट वन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने फंडामेंटल्स को समझा कंपनी के, नंबर्स को देखा, तो जून का नंबर तो इतना डिमोटिवेटिंग है कि मन करेगा शेयर बेच दो अगर पोर्टफोलियो में है, और नहीं है तो देखना ही नहीं है इस कंपनी को। इनका बैलेंस शीट को देखा तो बैलेंस शीट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, कुछ खराब नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग था इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न कि इनका लास्ट एक दो क्वार्टर में म्यूचुअल फंड्स भी अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी स्टेक बढ़ा रहे हैं, खाली जनरल पब्लिक के हाथ से शेयर छूटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को नंबर्स दिख रहे हैं जो कि पास्ट है, और उन लोगों को शायद ये बिजनेस मॉडल दिख रहा है जो कि आने वाला फ्यूचर है। तो यही डिफरेंस होता है एक अच्छे रिसर्च में और एक नॉर्मल, बस हम लोग जो रिटेल इन्वेस्टर ऊपर ऊपर का थोड़ा सा नंबर्स देखते हैं और हम लोग को लगता है कि हम लोग को एनालिसिस करना आ गया, रिसर्च करना आ गया, वहां पर हम लोग धोखा खाते हैं क्योंकि हम लोग टाइम नहीं देना चाहते, हम लोग को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। आपको अगर किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, अपना हार्ड एंड मनी अगर पैसा लगाना है, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा, एक दिन दो दिन दीजिए उसको पढ़ने में। हम लोग ये जो रिसर्च करके मैं आपके पास ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, एक एक कंपनी को स्टडी करने में हम लोग को 20 20 25 25 घंटा का डीप स्टडी लगता है, तब
तब हम लोग को बिजनेस के बारे में समझ में आता है, बिजनेस के पोटेंशियल को समझ में आता है। और हम लोग रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि वो 5 मिनट 10 मिनट का कोई वीडियो बना दे और फटाफट बस बता दे कंपनी के बारे में, हम इन्वेस्ट कर दे। तो वहां पर क्या होता है, हम लोग धोखा खाते हैं। डोंट गो फॉर क्वांटिटी। आप वीक में, पूरे हफ्ता में सिर्फ दो ही कंपनी को स्टडी करिए या एक ही कंपनी को स्टडी करिए, पर उसको इतना अच्छा से स्टडी करिए ना ताकि उससे आपको एक हफ्ता बाद आप कुछ निष्कर्ष पे पहुंच पाए, आपको उस कंपनी का फ्यूचर दिखने लगे कि हाँ इस कंपनी में कुछ अच्छा या हो रहा है या तो इस कंपनी में कुछ खराब हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगी। पर आप एक हफ्ता में सोचेंगे 5 कंपनी 10 कंपनी को स्टडी कर ले पर आपको कॉन्फिडेंस किसी में भी नहीं आया, तो 10 कंपनी का स्टडी वेस्ट हो गया। नो यूज। अगर स्टडी करने के बाद भी आपको पता नहीं है कि करना क्या है तो फिर वो स्टडी का कोई मतलब ही नहीं है। स्टडी करने के बाद एटलीस्ट ये समझ में आना चाहिए कि धंधा क्या है और कंपनी अच्छा कर रही है कि खराब कर रही है। आने वाले समय में जो कम मैनेजमेंट डिसीजंस ले रहे हैं वो अच्छा हो सकता है कि खराब हो सकता है, क्या होगा ये तो भगवान ही जानता है, बट जो अभी स्टेप ले रहा है उससे हम लोग का अनुमान क्या बैठता है। आप उस लायक तो पोजिशन पे पहुंच जाइए, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और इसीलिए मेरा कोशिश होता है वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो बट आपको पूरा नॉलेज मिले ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे। ठीक है, तो पार्ट वन को यही एंड करते हैं, हम लोग पार्ट टू में आते हैं जहां पर फिर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनका कंपनी में अब रिसेंट क्या अपडेट्स है और परफॉर्मेंस कैसा रहा। ठीक है, तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस तरह के नॉलेजेबल कंटेंट देख पाए, उनको भी कुछ बेनिफिट हो पाए। आपको अगर इस वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो आप भी अपने दोस्तों के लिए कुछ अच्छा सोचिए, उनको भी रिकमेंड करिए, उनको भी नॉलेज शेयर करिए। ठीक है, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि पार्ट टू वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए, उसके लिए बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू, जहां पर हम लोग आगे इस डिस्कशन को बढ़ाएंगे। हाँ, मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको खोजने में डिफिकल्टी ना हो। आप अगर मेरे वीडियोस में जाएंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, आप प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपको कंपनी वाइज जो भी पार्ट, जितने भी कंपनीज का एनालिसिस हमने पार्ट वाइज किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, आपको ज्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और इस कंपनी के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बाय बाय।